नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चंद्रभान सिंह चंदेल के नेतृत्व में आज सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। उनकी मांग मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा सड़क विकास को लेकर बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक उनका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। 10 से 12 फीट के बड़े बड़े लंबे गड्ढे सड़क पर हो गए हैं। कांग्रेस नेता चंद्रभान सिंह चंदेल द्वारा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उज्जैन लोकसभा सांसद पर निशाना साधते हुए बताया, दोनों नेताओं ने सड़क निर्माण के पहले फूलों की माला पहनकर जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। अभी तक सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ और सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता चंद्रभान सिंह चंदेल द्वारा चेतावनी देते हुए चैनल के माध्यम से बताया गया कि यदि 20 दिन के अंदर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर चटर रैली निकालकर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी सरकार और प्रशासन की होगी। जिला प्रशासन से SDM जगदीश मेहरे को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले लगभग 18 सालों से भाजपा की सरकार है और एक बड़ा प्रमुख मार्ग है जवासिया से फतेहाबाद के बीच का, जो उज्जैन को इंदौर से भी जोड़ता है। उस मार्ग में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 14 किलोमीटर का जो सफ़र है उसे करने में एक घंटा लगता है। उस पर 12-12 फिट लंबे गड्ढे हैं। मैं आप सब मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूँगा कि आप भी एक बार वहाँ जाके देखिए। कई बार सांसद जी ने वहाँ पर घोषणाएँ कर दी कि हम वहाँ का काम चालू करने वाले हैं। माननीय मंत्री जी ने वहाँ पर विज्ञापन भी दिया कि फलाना तारीख से काम चालू होने वाला है और छोटे छोटे गांवों में अपना स्वागत भी करा लिया, माला भी पहन ली कि हमने काम चालू करवा दिया है। मगर पिछले 4 महीने से वहाँ पर एक डंपर गिट्टी भी नहीं डली है, 1 इंच सड़क भी नहीं बनी है। वहाँ पर लगभग 1 दर्जन लोगों का पिछले 12 सालों में जान चली गई है। आए दिन हादसे होते हैं, ग्रामीण जन परेशान है, गाड़ियों के नुकसान हो रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे रोड पर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, हार्ट अटैक या कोई महिला प्रेग्नेंट हो, तो उसको उज्जैन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मेरा जो जानकारी है वो उससे निकल के आ रहा है कि काम इसलिए लेट हो रहा है कि कमीशन की सेटिंग नहीं हो पा रही है भाजपा के नेताओं में और ठेकेदारों में। तो हमारा आज क्योंकि त्यौहार का समय है, वो पूरे उज्जैन में भीड़ है, वरना हम लोगों का प्लान था ट्रैक्टर रैली निकाल के शहर चक्का जाम करने का। आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया है, साथ ही साथ ये चेतावनी भी है कि अगर 20 दिन में इस सड़क का काम चालू नहीं हुआ तो फतेहाबाद से ट्रैक्टर रैली चालू होगी और सैकड़ों ट्रैक्टर शहर में आके जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी इस भ्रष्ट सरकार की होगी और प्रशासन की होगी। धन्यवाद। ये चिंतामन से जो चंद्रावती गंज तरफ जाने वाले रास्ते के बनाने के बारे में इन्होंने ज्ञापन दिया है, जो काफ़ी समय से जर्जर हालत में ऐसा होना उन्होंने बताया है और उसकी दुरुस्ती और निर्माण के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या लगता है कब तक चालू होने की संभावना? ये जो ज्ञापन दिया है इसे तत्काल शासन को भेज दिया जाएगा और उस पर यथोचित कार्रवाई यथाशीघ्र की जाएगी।